जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं चल रहा है, तो 21 अगस्त सभी शिफ्टों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बने थे उन पर आधारित क्वेश्चन अति संभावित प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस क्लास में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले आपको इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और दुनिया की हर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन में बोला गया कि 10% की हानि होती है, तो 10% को यदि हम 100 में से माइनस करेंगे तो याद रखिएगा इस वस्तु का विक्रय मूल्य 90% बनेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इस 90% का मान क्वेश्चन में दिया है 240, यहां से क्या करेंगे 1% का मान लाएंगे, तो 240 में 90 का भाग लगाओ। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, इसका क्रय मूल्य लाना होगा। तो क्रय मूल्य लाने के लिए 240 बटे 90 में 100 का गुणा कर दो, जिससे इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 3 3 9 होता है और 3 8 होता है 24, यानी यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य बनेगा ये 800 बटे कितना बनेगा 3। लेकिन क्वेश्चन ने क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्वेश्चन में बोला गया कि किस मूल्य पर उसे बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, मतलब पुनः विक्रय मूल्य पूछा और 20% लाभ के लिए। तो यहाँ पर यह क्रय मूल्य अपने आप में 100% आया, 800 बटे 3। 20% लाभ कमाना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, इसका 120% निकालो, तो 20% लाभ के बाद विक्रय मूल्य आपके पास निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 2 12 0 यानी 40, और यहां पर हो जाएगा 8 2 32 यानी कि 320 रुपए में अगर आप उस वस्तु को बेचोगे तो आपके पास 20% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैं आपको बता दूं, समान शेष बचने का केस यहाँ पर आया, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है 279, इसमें से घटाना है 187 को, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 279 में से पुनः घटाना है आपको 233 को, मतलब आपको इन सभी संख्याओं का आपस में डिफरेंस देख लेना है, और फिर 233 में से इससे छोटा नंबर 187 जो दिखाई दे रहा है इसे घटाओगे। तो यहाँ पर 279 माइनस 187 करेंगे तो आपके पास दिखाई दे रहा 9 में से 7 गया 2 बचा, और यहाँ पर 7 में से 8 नहीं 17 में से 8 गया तो यहाँ पर 9 बचा। इस प्रकार 279 में से 233 को घटाने पर 46 बचेगा, और उसके बाद 233 में से 187 को घटाने पर भी 46 ही बचेगा। आपको मैं बता दूं, ये जो वैल्यू बची आपस में घटाने के बाद इसका महत्तम समापवर्तक लेना है, और इनका महत्तम कैसे लोगे, ये सारे नंबर एक ही संख्या से कटे। एक तो 23 का भाग सब में चला जाएगा, 23 2 92 होता है, 23 2 46 और 23 2 46। अब 2 का भाग देंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। इस प्रकार हमारे पास जो इनका महत्तम आएगा, अब आगे भाग नहीं जा रहा तो यहीं पर ब्रेक कर दो। इनका महत्तम लेने के लिए 23 का गुणा 2 से करोगे, 23 गुणा 2 होता है 46। तो याद रखिएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या 46 है जिसका भाग इन सब में देने पर समान शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। प्यारे साथियों, पार्क कैसा है, वर्गाकार। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी
सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, मतलब ए ए ए, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है। इसका क्षेत्रफल दिया तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वर्ग का ए की पावर 2 होता है, मतलब भुजा की पावर 2। क्षेत्रफल की जगह हम लिखेंगे 25 और ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये वर्ग हटेगा, ए पर से तो इधर क्षेत्रफल पर वर्गमूल लग जाएगा और ए का मान कितना आ जाएगा, √25, 5 का वर्ग होता है तो ए का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, तो याद रखना इसका परिमाप निकालोगे, क्योंकि परिमाप जो होता है इसका चारों ओर का, चारों भुजाओं का योग होता है, तो आप इसका परिमाप निकाल लोगे तो इसका टोटल परिमाप आ जाएगा 5 × 4 करना, 5 × 20, 20 याद रखिएगा, 20 किलोमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। मतलब एक चक्कर में टोटल दूरी 20 किलोमीटर की तय करना पड़ेगा। अब इस 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी क्वेश्चन में दी है 20 और बटे में चाल कितना लिखेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से काटेंगे, 3 × 6 = 18, 6 बार पूरा पूरा भाग चला गया। अब कितना शेष बचा, 2 और बटे 3, तो 6 से ही 2/3 किलोमीटर यानी घंटे का समय आएगा, तो ये 2/3 घंटे को मिनट में बदल लो। इसमें 60 का गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे, 60 को 20 बार कटेगा और 20 × 40, तो ये 40 मिनट और एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 घंटे और 40 मिनट में याद रखिएगा इस पार्क का एक चक्कर काटा जा सकता है, और ऑप्शन नंबर 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ये यहाँ पर 34/17 × 2+4 का मान बताना है, तो यहाँ वी बोर्ड मार्क से इसे सॉल्व करो। सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे, भाग को, और भाग को सॉल्व करने के लिए 34 में भाग देना है 17 का, तो यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार। अब बाकी को हम ऐसा ही लिखेंगे 2 × 2 और आगे लिखा प्लस का 4। अब यहाँ पर ये गुणा को सोल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 में 4 जोड़ा कितना, 8 बनेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा, जॉन की वर्तमान आयु बताओ। तो यहाँ पर वर्तमान आयु के बारे में बात की जा रही है, और वर्तमान आयु के बारे में बात की जा रही है तो जॉन की और उसके बाद उसके पिता की, तो उसके पिता की आयु का 1/4, 1/4 बोला, तो आप क्या करो, पिता की आयु को तो 4 अनुपात मान लो और जॉन की आयु को कितना मान लो, 1 अनुपात, क्योंकि पिता की आयु अगर 4 मानेंगे तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 1 अनुपात ही जॉन की आयु आएगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें बना लेना है। यहाँ पर बोला गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 साल हो जाएगा, तो ये 68 वर्ष योग है दोनों की आयु का, लेकिन ये 4 वर्ष बाद बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है, वर्तमान रेशो निकाला हमने, इसलिए वर्तमान आयु का योग बना लेना है इसको। तो 68 में से आप माइनस करोगे, 4 साल बाद का योग दिया तो 4 साल पहला आदमी बड़ा होगा, 4 साल ही दूसरा आदमी बड़ा होगा, तो टोटल 8 वर्ष ये बड़े हुए, तो यहाँ पर इसमें से 8 माइनस कर देना, तो 60 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग आपके पास निकल जाएगा। अब इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है और वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है, तो इनकी आयु के रेशो का भी योग कर लेंगे, यानी 1 में 4 को जोड़ा और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 60 वर्ष के, यानी 5 रेशो का मान क्वेश्चन के अनुसार 60 वर्ष बनेगा, और 1 वर्ष का, 1 रेशो का मान लाने के लिए 60 में 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 12 बार भाग लगेगा। क्वेश्चन ने कहा कि जॉन की वर्तमान आयु बताओ, तो जॉन की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 1 अनुपात, और 1 अनुपात का गुणा अगर 1 अनुपात के मान से करेंगे तो 12 × 12 यानी 12 वर्ष, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25% का 25% कितना होगा, आप सभी जानते हैं 25% का मतलब होता है गुणा में 1/100, का के की इन सब का मतलब भी गुणा होता है, फिर से बोल रहा है 25%, तो फिर से 25% का मतलब 1/100 होता है, तो ये वैल्यू को सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर हम डायरेक्ट 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 625 हो जाएगा, और बटे में अगर बात करें तो 100 का गुणा 100 से करेंगे तो
वन के बाद चार जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बटे में एक के बाद चार जीरो है, तो इकाई तरफ से चार अंकों के पहले दशमलव लगा लो, 0.0625, यहाँ तीन ही अंक थे तो एक मन से क्या लगा देना है, जीरो लगा देना। इस प्रकार इसका राइट आंसर 0.0625, 0625 ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात दिया है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है, दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगी, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:4 हो, क्या करना है ऐसे में आपको, आपको दो बर्तन यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रहा है, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, इसमें भी आपको दूध और पानी का अनुपात बताया, दूध अनुपात पानी, और दूसरे बर्तन में भी दूध अनुपात पानी का मान क्वेश्चन में बताया। तो पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 3:2 है और दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो 7:3 है। क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशियो 11:4 बनेगा। तो दूध और रेशियो का नया रेशियो कितना बनेगा, 11:4, तो 11:4 दूध रेशियो पानी होगा, इसे भी लिख लेना है। अब आपको इसे मिश्रण विधि से सॉल्व करना सबसे आसान है, या तो आप सबके दूध दूध को मिला दो डायरेक्ट आंसर आएगा, या सबके पानी पानी को मिला दो। कैसे, जैसे कि यहाँ पर 3 और 2, 5 यूनिट में कितना दूध है, तो 3 यूनिट ये लिखा, दूध दूध को मिला देना है सब दूर का, और इसी प्रकार यहाँ पर टोटल 7 में 3 जोड़ा 10, और 10 में कितना दूध है, तो 7:2 है, इसी प्रकार 11 और 4 को जोड़ा तो 15 बना, और 15 में कितना दूध है, 11, यहाँ पर मिश्रण विधि लगा दो और बड़े में से छोटा माइनस कर लो, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11/15 में से माइनस करेंगे 3/5 को, बड़े में से छोटा घटाना है किधर भी घटा लो, इसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है, 11/15 में से माइनस करना है 7/10 को, बस इनको माइनस कर लो। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 10 और 15 का, तो हमारे पास आ जाएगा 30 लघुत्तम, और 15 दूनी 30 बनेगा, 11 गुणा 2 करेंगे 22 आएगा, माइनस से माइनस लगा लो, 10 या 30 होता, और 3 गुणा 7 करोगे 7 या 21 हो जाएगा, तो 22 में से अगर 21 जाएगा तो एक साइड तो दूध की साइड तो हमारे पास, मतलब दूध और पानी का नया रेशो आएगा डायरेक्ट, तो दूध अनुपात पानी का नया रेशो कितना बनेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/1, और कितना बना यहाँ पर 30 बचा। अब क्या करो, इधर भी सोल्व कर लो, यहाँ पर भी लघुत्तम 15 और 5 का लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 15 लघुत्तम आएगा। अब 15 में 15 का भाग एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 11 से करेंगे 11, माइनस 5 3 15, और 3 गुणा 3 होता है 9, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2/15 यहाँ पर हमारे पास बचेगा, तो पानी की साइड कितना बचा 2/15। सिंपली अब इसका भी रेशो बना लेना है, ये 5 से काटो इनको, 5 3 15 और 5 6 30, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 1 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर 1 का गुणा करने पर 1 ही आएगा, और इधर 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 बनेगा। तो नए मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए दूध और पानी को, तो याद रखिएगा 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको मैं बता दूं, कितना भी मूलधन दे दे, कितनी भी दर दे दे, कितना भी समय दे दे, डायरेक्ट सीआई निकालना मैं आपको सिखाता हूं। क्या करना है, सबसे पहले पहले वर्ष का सीआई निकालेंगे, कैसे, तो जो मूलधन होता है डायरेक्ट उसका कितना प्रतिशत निकालो, 5%, तो हमारे पास पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 8/45 यानी 400। अब क्या करना है आपको, दूसरे वर्ष का सीआई लाना है, दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, तो 400 तो होगा ही, प्लस इस 400 में जोड़ोगे 400 का फिर कितना प्रतिशत, जितना दर है 5%, या 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 चौके 20, यानी 400 में 20 को जोड़ेंगे तो 420 हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार तीसरे वर्ष का सीआई लाने के लिए क्या होगा, 420 तो होगा ही, प्लस 420 का भी कितना प्रतिशत रहेगा, तो 5% आपको निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 और जोड़ देंगे हमारे पास, तो 441 बनेगा, और क्वेश्चन ने कहा 3 साल है, तो बस 3 साल का निकाल लिया, कुल सीआई बताओ, तो डायरेक्ट इनको क्या करो, तीनों साल के सीआई को जोड़ लो,
यानी 400 में कितना जुड़ेगा, 420 और फिर से 441, ये तीनों साल का सीआई जोड़ो तो एक आएगा, और एक ऑप्शन नंबर तीनों में दिया है, 426 हो जाएगा, 448 412 1261 रुपये, 3 साल का सीआई आएगा 1261, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि 9 की बात करें तो किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 15 रुपए का अंतर हो तो कुल धन क्या होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष की बात की जा रही है और सीआई और एसआई के अंतर की बात की जा रही है। तो यदि 2 वर्ष क्वेश्चन में आए और एसआई सीआई के डिफरेंस की बात करें तो एक कंसेप्ट याद रखो, डिफरेंस बराबर होता है पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, और कोष्टक में R/100 और पूरे की पावर 2 कर लेना। डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 15 बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन का मान अपने को लाना है, और कोष्टक में आर यानी दर कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना करोगे 100, पूरे की पावर 2 लगा लेना है क्योंकि यहाँ 2 साल है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करोगे तो यहाँ 15 लिखा रहने दे और पी गुणा में यहाँ 1/10 बना, इसकी पावर 2 है तो इसका 2 बार गुणा करो, 1/10 गुणा 1/10, यहाँ पर पी का मान लाने के लिए ये भाग से 10 2 बार के इधर आएंगे तो गुणा में चले जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास 15 के बाद 2 जीरो लग जाएगा और 1500 रुपये यहाँ पर मूलधन का मान आ जाएगा, 1500 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास के साथ आप जरूर जुड़ें और प्रैक्टिस करें, और उसके बाद यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब तक पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।